अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तस्नीम बानो शफी अहमद है। प्यारे बच्चों, ये हमारी ही जमात सुवम का एक तालिबे इल्म है। आइए इससे कुछ बातें करते हैं। हाँ बेटा, ये क्या है? गुब्बारा। गुड। इसे फुलाओ। ठीक है। बनाने पर क्या हुआ? हवा गई इसके अंदर हवा गई। शाबाश। अब एक काम और कीजिए, सांस लीजिए। गुड। सांस लेने पर क्या हुआ? फेफड़े फूल गए। बहुत अच्छे। फेफड़े क्यों फूले? अब सांस लिए अपने अंदर। सांस लिए इस वजह से। सांस लेने पर नाक के जरिए हवा कहाँ गई? फेफड़े में गई, जिसकी वजह से फेफड़े फूल गए। ठीक है, बैठिए आप। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे काम अंजाम देने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, आग जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको अंजाम देने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम जमात सुवम के मजमून माहौल का मुताया के सबक नंबर 11 हमें हवा की जरूरत, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और इस पहेली को भी हल करते हैं। देखते हैं कि इसका जवाब कौन देता है। ठीक है, तो गौर से सुने। जिस चीज को हर देश में पाया है चारों तरफ मौजूद, इसकी सूरत है ना साया, है सबको ये महबूब। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर देश में पाई जाती है और ये हमारे चारों तरफ भी मौजूद होती है, इसके अलावा इसकी ना कोई सूरत है और ना ही इसका कोई साया है। और प्यारे बच्चों, ये हम सबको महबूब भी होती है। तो बताइए ये क्या हो सकता है? बहुत अच्छे, ये क्या है? हवा है। यानी हवा ऐसी चीज है जो हमारी जरूरत है, हमारे चारों तरफ भी पाई जाती है और हमें महबूब भी है। तो आइए हम सबक नंबर 11 हमें हवा की जरूरत, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं।